उल्टी साइड से ओवरटेक कर रहा है गाइस। ये देखो गाइस, सो गाइस ये पुलिस वाले देखो बिना हेलमेट के जा रहे हैं गाइस। ओके सो गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी अवर चैनल जैलेंजे ब्लॉग्स। सो गाइज आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ, फिट एंड फाइन हूँ। सो गाइज ये है नवन भाई, ये अपने घर आए थे और इनको आज कुछ काम है। कहाँ जाना भाई, देखते हैं, बता दो आधे रास्ते में। अभी ये आधे रास्ते में हमारा सबका यही सीन है, आधे रास्ते में जाके पता चलता है कि कहाँ जाना है। और ये अभी बताएंगे कहाँ जाएंगे हम। आज जाते हैं छोटी सी राइड पे और जाएंगे आज हम स्कूटी में, और ये रहा मेरा बैग, और आज एक्टिवा में आज हम राइड करेंगे। कैसी राइड रहती है, फुल पावर रहेगी। और ये देखो हमारा डॉगी, ये डॉगी बहुत तेज है, ये स्कूटी में बैठ जाता है गाइस। चलो गाइस निकलते हैं और यार दिखाते हैं इसकी पावर, एक्टिवा की पावर दिखाते हैं आपको। और ये ज़्यादा नहीं चलती है, 100 से ऊपर चलती है बस, 80 चलती है बस, ज़्यादा नहीं चलती है, 100 पावर दे रखी है इसकी। और मौसम भी आज देखो कैसा हो रखा, क्लाउडी मौसम हो रखा है। तो निकलते हैं फुल पावर और चलते हैं। तो गाइस इसका आरपीएम बहुत तगड़ा है यार, ये तो उठने को तैयार हो रही है। व्हीली मार दूंगे इससे, नहीं एक हाथ व्हीली मार दूंगे। ओके तो गाइस निकलते हैं, मोहन भाई बैठो, ये लड़कियों वाला हेलमेट लेके आ रखे। काम करते हैं ना, बिना हेलमेट के जाते हैं ना बिंदास। ओके गाइस जय श्री राम। और अरे भाई 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 भाई, सो गाइस निकल चुके हैं घर से और देखो मौसम कैसा हो रहा है, क्लाउडी मौसम हो रहा है बहुत है, बारिश हो सकती कभी भी। और मैं कैमरा ऑफ कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास केस नहीं है वाटरप्रूफ, और GoPro खराब हो सकता है। सो यार निकलते हैं यहां से और दिखाते हैं आगे का सीन क्या है, और यार ये बताएगा कि हम कहां जा रहे हैं, अभी पता नहीं है कुछ कहां जा रहे हैं। और तू चेक करो यहाँ का, और हम शॉर्ट रास्ते से आ रहे हैं रास्ता। और यार ये क्रेशर है सामने। सो गाइस प्रेमदारा पहुंच चुके हैं और बारिश भी हो रही है, और यार कैमरा भी भीग सकता है मेरा, अब कैमरा अंदर रख रहा हूँ बैग में। सो हो सका तो कैमरा बाहर निकाल के आपको व्यू दिखाऊंगा। और हम जा रहे हैं यहाँ से, कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं हम पता नहीं भाई, देखते हैं, अभी नहीं बताऊंगा। बताना है, बता, वो कैमरा बंद कर दूंगा ना, वो बारिश हो रही है ना, खाली भीग जाएगा कैमरा। बदायूं जा रहे गाइस हम, बदायूं कहाँ है, यूपी में, यूपी। तो ये यूपी बिहार जाएंगे हम। ओके सो गाइस काशीपुर पहुंच चुके हैं और बारिश हो रही है यार बहुत, तो स्टॉप किया है और ये काशीपुर पहुंच चुके हैं हम। ये नमन भाई जलेबी खस्ते खा रहे हैं, और यार खा के निकलते हैं फिर फुल पावर और दिखाते हैं हम। ओके सो गाइस फाइनली बारिश रुक गई है और हम मुरादाबाद पार होके रामपुर पहुँच के बदायूं पहुँच गए हैं। यार बहुत गंदा सीन हो गया, बारिश देखो आया, बारिश अब रुक गई है, बहुत गंदा सीन हो रखा था। और यहाँ का व्यू चेक करो, रोड देखो यहाँ की। और यार नवन भाई इन्हें थका दिया यार आज, पता ही नहीं चला कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं चला गाई। और यार अब मैं कुछ बता भी नहीं सकता क्या हुआ, और बारिश ही इतनी हुई है कि आप हमारा कपड़ों का अंदाजा देके लगा सकते हो कि गर्म बिग रहा है मेरा हुए कपड़े यार गाई पूरे भीगे। इवनिंग का सीन दिखाते हैं अभी, तो कुछ 12-1 बजे का टाइम हो रहा है, 4-5 बजे निकलते हैं। और यार कुछ खाते हैं अभी, निकलते हैं इनके घर पर, निकलते हैं इनके रिलेटिव रहते हैं यहाँ, उनके घर पहुँचते हैं, कपड़े बदलते हैं। सो मिलते हैं यार आगे। सो गाइस पहुंच चुके हैं नवन भाई के रिलेटिव्स के घर, और ये नवन भाई स्कूटी चला रहे दोबारा। इनको एक चैलेंज दिया है, ये कीचड़ में, ये मैं पैर नीचे नहीं रखूंगा बिल्कुल भी, मैंने नहीं लगा हुआ है अभी तक चप्पल, इसलिए चप्पल पहन के आया हूं। तो भाई मैंने ये इनसे ये कह रखा कि अगर इन्होंने पैर नीचे रखा तो ये चैलेंज हार जाएंगे, और ये स्ट्रिंग मिलाएंगे, स्ट्रिंग। ओके तो आया मेरे लिए तो भाई, सो गाइस देखते हैं, रखना पड़ेगा भाई, तो ये पैर रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। रोड आ गई, मुझे पता था। सो भाई इसने चैलेंज जीत लिया है, और अब मैं इनको कुछ नहीं पिलाऊंगा। सबसे ज्यादा फसल काई की होती है यहाँ, सो गाइस सनसेट चेक करो, देखो जाया देखो सब हमारे मौसा का है। हेलो, हाँ मौसा जी, मौसा जी एक मेरे को 5,000 रुपए पेटीएम कर दोगे, मेरे को थोड़ी जरूरत थी, मैंने मौसी को बोला था फोन करके। इतने चोटे मारूंगा साले, इतने चोटे मारूंगा। कुणाल के पापा है ना, अच्छा वो हमारे मौसा जी है। तो यहाँ मोस्टली किस चीज की फसल होती है सबसे ज्यादा यहाँ पे? सबसे ज्यादा जहाँ पे मुझे लगता है मतलब सीजन टू सीजन होता है यहाँ पे, आलू की भी होती है, अच्छा गेहूँ की भी होती है, अच्छा और मक्के की होती है ना। जब से मैं देख रहा हूँ यहाँ तो मक्के के ही पेड़ देख रहा हूँ भाई, दूर दूर तक आपको मक्का और गन्ना दिखेगा बस। हाँ यूपी में ओके सो गाइस अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ और निकलते हैं मार्केट की तरफ को। देखो पहली बात सुन ले, गाड़ी चलने से पहले, हाँ ये KTM नहीं है ठीक है। सो गाइस ये KTM नहीं है, ये एक्टिवा है।
उछालने की कोशिश करे। नहीं नहीं गाइस, मैं इसको उछालूंगा नहीं, इसको रपटाऊंगा मैं। तो गाइस इस जगह का नाम है सहदपुर। सो गाइस ये पुलिस देखो बिना हेलमेट के जा रहे हैं गाइस, और यही बंदे हमारा चालान करते हैं यार गाइस। देखो ये गलत बात है। अभी होने को अगर मैं उन्हें फॉलो भी कर सकता था, पर यार अब मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि यार हमारे ये उत्तराखंड है नहीं। अगर उत्तराखंड में होता मैं जरूर फॉलो करता, उनसे कहता कि सर हेलमेट पहनो, आपने अपने पास हेलमेट रखा है तो आपने काई के लिए रखा है, उसे पहनने के लिए रखा है तो उसे पहनो। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ यूपी के बारे में, पर यार यहाँ का मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या नियम है क्या है, तो सो छोड़ो। और यार यहाँ का नेचर देखो यार, मेरे को ना इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार यूपी में भी ऐसा नेचर होगा, क्योंकि यार हमने उत्तराखंड देखा है, हमें ये कहा जाता है कि नीचे की तरफ सब ऐसी है, ठंडा इलाका नहीं है। तो भाई मैं तो ये कहता हूँ ना, उत्तराखंड से ज़्यादा ठंडा आज इस टाइम यहाँ हो रहा है, वो शायद बारिश की वजह से हो रहा होगा, वो बात अलग है। बहुत अच्छे लोग हैं यार, नमन भाई के रिलेटिव के घर में रुके थे तो उनने बहुत अच्छे से खाना वाना वगैरह खिलाया, बहुत अच्छे से बातें करी, और यार बहुत अच्छा लगता है यार ऐसे यार किसी से नए नए बंदों से मिलो और नई नई जगहों में जाने से नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सो अच्छा है। हेलमेट बहुत बिक चुका है, इनका स्कूटी वाला हेलमेट था तो इनने ये ड्राइव कर रहे थे अपनी स्कूटी वाले हेलमेट को पहन के, तो वो भीग गया, वो भीगने से वो गीला हो गया तो वो ला नहीं पाए अपना हेलमेट। भाई किससे बातें कर रहे थे आप? अबे यार वहाँ व्लॉगिंग कर रहा हूँ भाई, साले व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं, मुझे क्या पता है आप क्या बातें कर रहे हैं। अब अपने आप तो करते हैं, फिर मैं ऑडियंस से बातें कर रहा हूँ ना। हाँ अब कॉन्टेक्ट करना पड़ता है ना, कि यार बताना पड़ता है कि क्या है क्या हो रहा है करके। सो गाइस नमन भाई सोच रहे मैं किससे बात कर रहा हूँ, पता नहीं उनको डाउट हो गया कि इसकी गर्लफ्रेंड का तो फोन नहीं आया, क्योंकि उन्हें पता है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड तो है नहीं। नमन भाई को पता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर वो सोच रहे होंगे मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया क्या पता। सो गाइस ये अल्फाबेट ही बता रहे कि कौन से अल्फाबेट से है नाम। सो गाइस नमन भाई का एक फ्रेंड और ज्वाइन हो गया हमारे ग्रुप में, और हम जा रहे हैं यहाँ से कहीं यार, क्योंकि इनको कुछ प्लेस पता होगी अच्छी, तो हमें इन्हों हायर किया है कि हमें यार कुछ अच्छी प्लेस दिखाओ घूमने के लायक, तो पर इन्हें ये मना कर रहे हैं कि कुछ नहीं है यहाँ पे, ये कह रहे हैं बस यहाँ पे जंगल तो है नहीं, और देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो आपको दिखा दें दोबारा। सो गाइस यहाँ के बंदे हमें ऐसे घूर रहे हैं ना, बहुत क्या ही बताऊँ, क्योंकि हम ऐसे स्कूटी में घूम रहे हैं और हमने हेलमेट भी बड़ा वो वाला पहन रखा है, और हमने गोप्रो भी लगा रखा, तो सब बंदे हर बंदा हमें घूम के देख रहा, पलट के देख रहा कि ये क्या बवाल आ गया। तो ऐसे ओम भाई मिले हैं हमें, और ओम भाई कह रहे हैं हम तुम्हें मंदिर ले आते हैं एक मंदिर दिखाने, तो मंदिर देख कैसा है मंदिर। सो गाइस मंदिर में एंटर कर दिया, मंदिर वहाँ है सामने, और यार कितना प्यारा रोड है यार मंदिर के लिए, हम जा रहे हैं, ये हैंडपम्प लगा हुआ है, और देखो कितना प्यारा रोड है, मतलब मंदिर के लिए ना मतलब अलग ही सीन कर रखा है यार इतना अच्छा। सो गाइस मंदिर में आ चुके हैं, ये भैया बता रहे हैं कि अभी यहाँ मेला था थोड़ी देर पहले, और वो मेला ख़त्म हो चुका है अब, तो कोई बात नहीं, अब गाइस भगवान जी के दर्शन करते हैं। सो गाइस दर्शन कर लिए हैं भगवान के, और यार निकलते हैं यहाँ से, अब निकलते हैं अब घर को यार गाइस, क्योंकि लेट भी हो रही है और अंधेरा भी होते जा रहा है। सो लव यू, बाय बाय, द नेक्स्ट डे। सो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द अवर चैनल ZNJ व्लॉग्स। सो गाइस ये है पार्ट टू, और हम निकल चुके हैं नमन भाई के रिलेटिव्स के घर से बाहर, और हम जा रहे हैं सीधे घर को। सो गाइस फ्यूल अप करा के निकल चुके हैं, और हमने इसमें चार बार फ्यूल डलवा दिया, चार बार।
और चार चार बार, एक बार 500 का, एक बार 400 का, मतलब हम इसमें टोटल 2000 का तेल डलवा चुके हैं। और यार ये लगा लो कि 2000 में ये स्कूटी लाना बर्थेड है, इससे बढ़िया तो अपनी ड्यूक लेके आता, तो वो इससे अच्छा एवरेज देती, तो कोई बात नहीं। पर ये कंफर्टेबल है, इसमें हम सामान भी रख सकते हैं और यार कुछ भी रख के हम कहीं भी चल सकते हैं। उसमें ये था कंफर्टेबल नहीं था, और इसमें ना कमर दर्द भी नहीं होती, हाथ दर्द भी नहीं होता, उसमें हाथ और कमर दर्द हो जाती है। सो ये बेनिफिट है। और अपाची वाला गाइस, अपाची वाला इस पक्का वो आगे आएगा मेरे से आगे पक्का। ये देखो गाइस मैंने क्या कहा था, क्या कहा था मैंने गाइस चेक करो गाइस, चेक करो यूपी के बंदों को चेक करो, जो बोला था वही हुआ मैंने कहा था इससे बर्दाश्त नहीं होगी। एक आध बीली मार के दिखाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो देखो गाइस उसकी स्माइल, छपरी गाइस, दिस इज सो छपरी गाय। भाई इंडिकेटर तो दे ले छपरी गाइस, गाइस छपरी, गाइस छपरी राइडर, छपरी राइडर फिर आ गया गाइस। सो छपरी गाइस, एक तो मोटा ऊपर से छपरी भाई साहब। गाइस इनने यार बहुत इरिटेट कर दिया यार आधे घंटे से यार, मतलब आगे से ले आ रहा बार बार और सांप बना दे रहा गाइस सांप। ये देखो गाइस, गाइस देखो देखो उल्टी साइड से, उल्टी साइड से ओवरटेक कर रहा गाइस। ये देखो गाइस गाइस, इन्हीं बंदों की वजह से यार, इन बंदों की वजह से दूसरे बंदे एक्सीडेंट होता है। देखो गाइस कहाँ से निकाल रहा, देखो कहाँ से निकाल रहा। और फिर ना ये लोग बड़े वाहन वाले की गलती बताएंगे कि बड़े ट्रांसपोर्ट की गलती है। यार वो बेचारा अपना अच्छे से चल रहा और उसको देखो कितनी चूल हो रही है कि इधर डाल रहा कभी उधर डाल रहा है। पता नहीं कैमरा एंगल में आना चाह रहा है या क्या मतलब है इसका। हम पर एक किलोमीटर गाइस, गाइस गाइस सर तो सर, मैम को भी देखो बिना हेलमेट के यार। गाइस मिलते हैं काशीपुर पे सीधे फुल टू रंपाट। 2000 years later. Guys, काशीपुर में एंटर कर चुके हैं फाइनली, यहाँ से निकलते हैं घर को, तो करते हैं एंड। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, मन हो तो कमेंट कर दो यार। पुरानी वीडियोस भी देखो हमारी, हमारी पुरानी वीडियोस हैं बहुत सारी यार। सपोर्ट करो गाइज, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है इस टाइम। ओके गाइज, लव यू, बाय बाय।